हमारे पैराडाइज के बच्चों के द्वारा जो अंक प्राप्त किया गया है, मंथली टेस्ट लिया गया था, तो उसमें जो अच्छा प्रदर्शन दिखाया, अच्छा रैंक लाया है, अच्छा अंक प्राप्त किया, तो उसे प्रोत्साहित करने के लिए, उसकी हौसला को और बढ़ाने के लिए ये फंक्शन रखा गया है। और हमारे जो यहाँ प्रेजेंट चीफ गेस्ट के रूप में हमारे इंद्रजीत सर, वो हमारे और भी दीनानाथ सर है और भी हमारे अनुभवी सर है, आदरणीय है, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने अपना वक्त निकाल करके हमें दिए हैं। तो इससे बढ़ करके और क्या होना चाहिए, कि होता है कि वक्त किसी के पास होता नहीं है, लेकिन अगर आप वक्त निकाल के दिए हैं तो हम इसका सदा आभार रहेंगे। ठीक, तो आइए हम अगला प्रदर्शन देखते हैं सत्यम कुमार के द्वारा, जो हमारे क्लास 10th का एक बहुत ईमानदार छात्र है। ठीक है, वैसे तो हमारे सारे बच्चे ईमानदार है, आइए हम इनके द्वारा सुनते हैं। ठीक, आदरणीय इस संस्थान के डायरेक्टर ओम सर एवं शंभु सर और प्रिंसिपल रजनीश सर एवं सभी अनुभवी शिक्षकों और आए हमारे दोस्तों और आए हुए अभिभावकों के कर वो कोटि कोटि नमन। बड़ी हर्ष की बात है कि आज इस मंथली टेस्ट रिजल्ट एग्जामिनेशन प्रोग्राम पर हमें कुछ होली पर बोलने का मौका मिला। होली चार शब्दों से बना है, HOLI, H का मीनिंग होता है हर्ट, O आउ, L लव, इन आई इन, घृणा को बाहर करो, प्यार को अंदर लो। होली की भूमिका, होली एक ऐसा रंग बिरंगा त्योहार है जो एक साथ मौज मस्ती, रवानी जवानी, रंगीली अलमस्ती की याद दिलाती है। होली मना रंग और उल्लास का पर्व, होली मनाने की तैयारी बसंत पंचमी से ही शुरू हो जाता है। भारतवर्ष के कोने कोने में यह पर्व पूरे हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। फागुन माह की पूर्णिमा के शाम मुहूर्त पर होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन के दूसरे दिन होली मनाई जाती है। होली के मिलन दिन सभी लोग एक दूसरे को रंग डालते हैं और आपस में गले मिलते हैं। होली का धार्मिक संदर्भ, यह पर्व भारतीय संस्कृति के धार्मिक संदर्भ से जुड़ा है। मान्यता है कि हिरण्यकश्यप नामक एक दानव राजा था जो स्वयं को ही भगवान मान बैठा था और अपने प्रजा को भी भगवान मानने को कहता था, लेकिन उसका अपना ही पुत्र प्रह्लाद उसके विरुद्ध था और भगवान हरि के भक्ति में लीन था, जिसके चलते हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रह्लाद को कई बार समझाने का कोशिश किया, जिसमें वह असफल रहा। अंत में हिरण्यकश्यप ने अपने ही पुत्र प्रह्लाद को अपने ही बहन होलिका के जरिए जिंदा जला देना चाहा था, लेकिन भगवान ने भक्त पर कृपा की, होलिका जलकर भस्म हो गई, लेकिन प्रह्लाद का बाल विभाका नहीं हुआ। जबकि होलिका को भगवान शिव का वरदान प्राप्त था। इस तरह बुराई पर भलाई का, दानवता पर देवता का और सत्य पर सत्य का विजय का प्रतीक है। अतः इसी धार्मिक संदर्भ के आधार पर हम लोग पूरे भारत वर्ष में हर्ष और उल्लास के साथ होली मनाते हैं। होली से लाभ, रंग गुलाल वस्त्र भरा, रंग अबीर से रंगे पूते, मुस्कुराते हंसते चेहरे, यही है इस पर्व की मुख्य पहचान। यह पर्व हमें ईर्ष्या द्वेष भुलाने तथा परस्पर प्रेम स्नेह एवं एकता की भावना के साथ रहने का संदेश देता है। इस दिन सभी लोग अपने सारे गीले शिकवे भुलाकर आपस में गले मिलते हैं और एक दूसरे को रंग लगाते हैं। होली का रंग हम सभी को जोड़ता है, रिश्तों में प्रेम अपनत्व स्नेह का रंग भरता है। होली से हानि, कई बार अनुसूचित जनजातियों के द्वारा मदिरा पान यानी शराब के चलते मारपीट हो जाती है। रंग और अबीर की होली खून की होली में बदल जाती है। इस दिन मदिरा पान पर पूरी तरह रोक लगनी चाहिए। यदि उपर्युक्त दोष से होली पूर्णतः मुक्त हो जाए तो शायद ही कोई दूसरा पर्व इस पर्व की बराबरी कर सकेंगे। होली का निष्कर्ष, होली हृदंग का नहीं उल्लास का पर्व है, या नाश का नहीं आनंद का पर्व है। होली का रंग हम सभी को तभी अच्छा लगेगा जब हम आत्मा की पवित्रता के रंग में रंगे होंगे। यह हमें ईर्ष्या द्वेष भुलाने, परस्पर प्रेम से एवं एकता की भावना के साथ रहने का संदेश देता है। अतः हमें असामाजिक प्रवृत्तियों, असमर्थक विचारधारा को दूर रहने का संदेश देता है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।